पॉपी यस सीड्स। मैम। अब ये मैम पॉपी सीड्स गांधी जी का क्वेश्चन क्या था? कि पेपर पाउडर को स्मेयर करना है पैरों पे या फिर मतलब कैसे, तो आई टोल्ड हर कि एसेंशियल ऑयल को स्मेयर करना है ओके पैरों पे। थैंक यू मैम। जी पेपर ये का ये पॉपी सीड। प्लानिटरी प्लानिटरी हाँ एस्पेक्ट क्या आएगा मैम पेपर का? राहु मार्स 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 मार्स। मार्स ओके है। ओके अब नेक्स्ट है पॉपी सीड। पॉपी सीड क्या होता है बताओ, खसखस मैम, हमने लास्ट टाइम। पेपर के कुछ दाने लेके अपने चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज घुमा के डस्टबिन में फेंक दे, तब भी सॉल से मुक्ति मिल जाएगी। मिलती है लेकिन सबसे पहले उसको ना एन्चांट कीजिए, एनर्जाइज कीजिए, ठीक है, कि वो आपकी एनर्जाइज सारी कैसे करूंगी नेगेटिव, मैम? जैसे मैंने बताया ना अभी हमने मेडिटेशन किया, मेडिटेशन के उसमें सारी एनर्जी ट्रांसफर करी पेपर कॉन्स पे, कि किस पहले विजुलाइज करा, उसके बाद हमें क्या पर्पस है हमारा उसको विजुलाइज, जैसे प्रोटेक्शन है कि वो आपकी बहुत अच्छे से प्रोटेक्शन कर रहा है, ठीक है, उसको आपने एन्चेंट करके डाल दिया पेपर में, तभी वो आपके लिए काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। आपको उसको बताना पड़ेगा कि आपको करना क्या है, उसके तो बहुत सारे काम है, ठीक है। अब आ गया ओके पॉपी मैम। सीड। पॉपी सीड होते हैं खसखस, व्हाइट कलर के छोटे छोटे दाने होते हैं। फर्टिलिटी, क्यों फर्टिलिटी के लिए, क्योंकि खसखस का आप देखेंगे ना फ्लावर देखेंगे, एक फ्लावर में बहुत सारे सीड्स होते हैं, अबंडेंस, ठीक है। फर्टिलिटी, लव, स्लीप, मनी, रिबर्थ एंड ग्रीफ। ग्रीफ, अगर किसी को बड़ा ग्रीफ है मतलब कोई दुख में है, तो नहाने के पानी में थोड़े से पॉपी सीड्स डाल दो, यू विल बी रिलीव्ड ऑफ द ग्रीफ, राइट। बहुत ही अच्छा है ये। अब फेमिनाइन है ये, ठीक है। फेमिनाइन किस किस चीज के लिए काम आता है, पीस, लव, ये सारे ना, जब अगर ओके हमें जेंडर पता होता है ना किसी भी हर्ब का, तो हमें पता है कि वो क्या काम करेगा। प्लैनेट मून है तो इमोशंस के काम करेगा, एलिमेंट वाटर फिर इमोशंस पे काम करेगा, साइन कैप्रिकॉर्न वाटर साइन है। पॉपी सीड्स आर यूज्ड इन ऑल वर्किंग्स फॉर इंसोमनिया, नींद नहीं आती, ठीक है। तो क्या करना है, थोड़ा सा अपने एनचांट करके बेड के पास रख लो। ओइंग टू ह्यूज अमाउंट्स ऑफ सीड्स टू पॉपी प्रोड्यूसेस, दे आर गुड फॉर यूजिंग इन फर्टिलिटी स्पेल्स एंड ऑल्सो फॉर प्रोस्पेरिटी एंड मनी। इस चीज को बढ़ाना है, जिस भी पॉपुलेशन बढ़ानी है, खानदान बढ़ाना है, प्रोस्पेरिटी बढ़ानी है, मनी बढ़ानी है, आशाएं बढ़ानी है, जो बढ़ाना है बढ़ाइए, नॉलेज बढ़ानी है, बढ़ाने की आप डालो उसके अंदर इंटेंशन, यूज इट, मेक अ पाउच, अपने पॉकेट में रखो, ठीक है। एडिशन टू योर लव सैशेज। अब लव सैशेज में क्या क्या डाल सकते हैं, हमने सैफ्रन की भी बात की थी, पॉपी सीड भी उसके साथ डाल सकता है। Sprinkling poppy seeds around your property will confuse any negative or evil spirits, क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी को अदृश्य कर देगी, क्योंकि पॉपी सीड जो होते हैं वो अबंडेंस होते हैं, अबंडेंस मतलब फर्टिलिटी, वो मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी होती है पॉपी सीड की। अगर आप अपने प्रॉपर्टी के अराउंड उस चीज को डालेंगे कि आपको किसी को कंफ्यूज करना है कि भाई आपकी प्रॉपर्टी पे हम इसको कहते हैं क्लोकिंग, कि आपकी प्रॉपर्टी को हमने ऐसा कर दिया कि कोई नेगेटिव एनर्जी देख ही ना पाए। एक तो होता है प्रोटेक्शन की, कोई नेगेटिव एनर्जी आती है, चल भाई हम लोग फाइटिंग मोड में आ गए, ये ढिशुम ढिशुम ढिशुम, चलो भाई कहीं हमारी नेगेटिव एनर्जी है ना। एक तो हमारे हमने ब्लैक पेपर को खड़ा कर दिया, चलो लड़ाई झगड़ा करो, इससे बाहर निकालो। पॉपी सीड क्या करता है, पॉपी सीड कहते हैं मैं तो किसी को देखने ही नहीं दूंगा तुम्हारी प्रॉपर्टी को, कंफ्यूज कर दूंगा कि ये है क्या। तो जब आपको कंफ्यूज करना हो किसी एनर्जी को, तो यूज पॉपी सीड, ओके। एड अ पिंच ऑफ पॉपी सीड टू योर बाथ वाटर टू ओवरकम ग्रीफ, जो हम कह चुके हैं। कैरी पॉपी सीड्स एंड मस्टर्ड सीड्स टुगेदर इन कोट, भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना काम कर रहा है मैं, बहुत इफेक्टिव है। अगर आप सही हैं, अगर आपका कोर्ट केस आपके अगेंस्ट जा रहा है, लेकिन आप एथिकली ठीक है, आप एनचांट कीजिए मस्टर्ड सीड्स के साथ, अपने साथ कैरी कीजिए, देखिए फिर क्या होता है, क्योंकि ये कंफ्यूज करता है ना, पहले तो ये कंफ्यूज कर देगा सामने वाले को और आपकी प्रोस्पेरिटी को सुनिश्चित कर देगा, आपकी जीत को, ठीक है। मैम हम ये अपने क्लाइंट को भी दे सकते हैं ना मैम, हाँ, एनर्जाइज करके क्लाइंट्स को दो ना, सैशे बट बना दो। दे विल ऑलवेज से दैट दे आर राइट। पता नहीं कि वो राइट है कि नहीं नहीं तो आप उनको कहेंगे आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, बट इफ यू आर राइट, हाँ। सबको मालूम होता है कौन गलत है कौन सही, ऐसा कुछ भी नहीं है।
देखिए हाँ, मैनेजेस करते हैं ना, कितने दिन तक वो एनर्जी पावर होता है हमें इसके हफ्ते अंदर। भर, वैसे हफ्ते भर तक, इट डिपेंड्स अपॉन द पावर ऑफ हीलर ऑल्सो, इट्स वेरी ट्रू। अगर आप बहुत एनर्जेटिक है और आपने उतनी शिद्दत से उसको किया है एनर्जाइज, राइट, आपके अंदर आपने वो पहले स्पार्क जनरेट की है, कितनी स्पार्क के साथ आपने वो, वैसे तो हफ्ते भर रहता है, बहुत एनर्जेटिकली रहता है, हफ्ते भर के महीने भर भी रहेगा। मैम, जैसे ये पॉपी सीड कंफ्यूज करता है या कुछ करता है, तो हाँ जैसे मतलब हम, जैसे कोई कस्टमर आप होता है, वो कहता है जी मतलब मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे कौन सा ब्रांड लेना चाहिए, तो हम जैसे उस समय टेबल पे पॉपी सीड रख के तब नहीं मीटिंग नहीं करें। नहीं वो तो कंफ्यूज और हो जाएगा, हमें कंफ्यूज नहीं करना उस चीज में, वो पॉपी सीड नहीं होगा उसके लिए, ओके है ना। ओके पॉपी सीड इज टू कंफ्यूज, इज टू क्लॉक द एनर्जीज, किसी चीज को गायब कर देना, सामने अच्छा होती भी हमें नहीं दिखाई दे रही, है ना। हाँ, तो अगर आपको, आपका एनिमी है, राइवल बिजनेसमैन है, और उससे आपको उसको कंफ्यूज करना है, तो उसके लिए जरूर हो सकता है। ठीक, ओके। नेक्स्ट।